देखिए शोभना, जो हालात थे, जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने विधायकों से कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, और विधायक कहा कि अब तत्क्षण फैसला ले लिया, अब जो कुछ कहना होगा विस्तार से बात होगी, ऐसा भी उन्होंने कहा। उनका भवन से बाहर निकलकर कि उन्होंने ये बताता है कि आने वाले समय में राजनीतिक घटाक्रम जैसे घटेगी, किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो इस्तीफा देने के बाद केयरटेकर मुख्यमंत्री बने रहेंगे जब तक नई सरकार नहीं हो जाए, अब राज्यपाल को तय करना है कि इस्तीफा के बाद उनकी क्या भूमिका होगी, कितने दिनों तक रहेंगे, राज्यपाल क्या करने वाले हैं। अगर उन्होंने साथ में ये भी चिट्ठी सौंपी है कि वो नई सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं, प्रकाश में निधि का रुख करना चाहूंगी। निधि, बताइए, राबड़ी देवी के घर के बाहर क्या हलचल, इस्तीफा सौंप चुके हैं नीतीश कुमार अपना? ये तस्वीरें देखिए, बहुत अहम हो जाती है कार्यकर्ताओं का शोर, और लगातार नीतीश कुमार से पूछा जा रहा है कि आपको बीजेपी से क्या परेशानी थी, वो बोले सब कुछ बताऊंगा। क्या 2024 इसका जवाब दे दिया, इस्तीफा अपना सौंपा। नीतीश्री का रुख करना चाहूंगी। नीतीश्री, राबड़ी देवी के घर से दिखाइए तस्वीर, और राबड़ी देवी के घर पहुंचे इस्तीफा देके राजभवन से सीधे। जी नीतीश्री, बोलिए नीतीश्री, बोलिए। शोभना, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी राबड़ी आवास से, जहां पर राजभवन से निकलने के ठीक बाद नीतीश कुमार पहुंचे हैं राबड़ी आवास। यहां पर पहले से तेजस्वी यादव मौजूद है, और बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह भी यहां पहुंचे हैं राबड़ी आवास। देखिए, बेहद ऐतिहासिक तस्वीर है आज की तारीख में, ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों यहां पर पहुंचे हैं, और समर्थकों की भीड़ आप यहां पर देख सकती हैं, समझ सकती हैं जो उत्साह है। और यहां आने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अब मंत्रिमंडल का चेहरा कौन कौन होगा, क्या कुछ विस्तार होगा, इस पर जरूर चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है कि राजभवन से निकलने के बाद नीतीश कुमार का काफिला यानी यहाँ पहुंचा है, और इस वक्त नीतीश कुमार अंदर जा चुके हैं, और उनके साथ ललन सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ अंदर फिलहाल पहुंच चुके हैं। इससे पहले ये खबर आ रही थी कि तेजस्वी बाहर निकलेंगे, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार ही अंदर गए हैं, और क्या कुछ चर्चा होती है इस पर नजर बनी रहेगी शोभना। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि राजभवन से निकलने के बाद नीतीश कुमार अंदर पहुंचे हैं, कोशिश यही होगी कि तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी से मुलाकात करेंगे, और उसके बाद सारी चर्चाएं शुरू होंगी। जी बिल्कुल नीतीश, प्रशांत का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रशांत भी राबड़ी देवी के घर के बाहर मौजूद है। प्रशांत, भारी हलचल, अंदर पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार और ललन सिंह, आप बताइए। जी जी बिल्कुल, देखिए जैसा निधि बता रही थी शोभना, ये एक अजीब घटनाक्रम है, क्योंकि नीतीश कुमार सीधा राजभवन से राबड़ी देवी के घर पे पहुंचे हैं, जहां पर तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। जैसा निधिश्री ने बताई है, यह अहम इसलिए है क्योंकि ऐसी तस्वीर आपने पहले बिहार की राजनीति में एक नया संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं शायद नीतीश कुमार। यहां पर खुद पहुंचकर उम्मीद ये की जा रही थी कि तेजस्वी यादव संभवतः जाएंगे नीतीश कुमार से मुलाकात करने, लेकिन नीतीश कुमार खुद यहाँ पहुँचे हैं तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए, और साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश है कि जो नया गठबंधन बन रहा है, जिस नए गठबंधन की शुरुआत होने जा रही है, वो काफ़ी मजबूत है, वो काफ़ी टिकाऊ है, ये संदेश देने की कोशिश है, और इसलिए यहाँ पर नीतीश कुमार पहुँचे हैं। आप समझ सकती हैं अब जो बिहार की राजनीति का जो परिदृश्य है वो कैसा होने वाला है, ये समझना मुश्किल नहीं है शोभना अब किसी के लिए भी, क्योंकि नीतीश कुमार ललन सिंह के साथ खुद यहाँ पहुँचे हैं। इसका एक ऑप्टिक्स है, इसका एक इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये संदेश देने की अब कोशिश है कि जो बीत गई वो बात गई, जो 2017 में हुआ उसको भूल जाना है और नई तरह से शुरुआत करनी है, और खुद इसलिए नीतीश कुमार यहाँ पहुँचे हैं ललन सिंह के साथ, और राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सभी विधायक, अभी महागठबंधन के सभी विधायक भी अंदर ही मौजूद हैं, और इसलिए
सबकी एक तरह से मीटिंग होगी, और जानकारी ऐसी मिल रही है कि इस बैठक के बाद संभवतः तेजस्वी यादव भी राज्यपाल से जाएंगे, मुलाकात करेंगे, महागठबंधन की ओर से संभवतः जो समर्थन है उसका पत्र भी सौंपेंगे। मतलब नीतीश जी, ये माना जाए कि रूपरेखा तय हो रही है इस समय सरकार की? नीतीश जी, सरकार की रूपरेखा अंदर तय हो रही है नई सरकार की? जी 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 बिल्कुल शोभना। देखिए, नीतीश कुमार और ललन सिंह का यहाँ पहुँचने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आज का जो खुशी का पल है, इसकी साझेदार जाहिर सी बात है आरजेडी है, और आरजेडी से ये खुशी का मौका जरूर साझा करना चाहेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।